तो गाइस फाइनली बीबीएम आए थे यहाँ पे। यार मेरी वीडियो जो रुक रही है, मुझे इस पर बहुत खून फूक रहा है, क्या करे जाए भाई। ना तू दर्शकों को ढंग से पकड़ ले। तो गाइस पन्नी तो इस लड़के ने उतार दी है, और ये इनका फर्स्ट लुक। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। आगे मैं आपके साथ एक को न्यू व्लॉग लेके न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं आपके सामने सुबह सुबह, ठीक है ना गाइस। तो चलो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखो, इसके अंदर क्या होता है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ नहीं जा रहा, सब चीज़ देखने को मिलेगी आपको आगे। तो गाइस हमेशा की तरह मैं आ गया जल्दी, और ये हमारा लड़का जो आ रहा है ना, ये मटकता हुआ ये आ रहा है देर में, ठीक है ना। तो गाइस फाइनली बीबीएम आए थे यहाँ पे। यार मेरी वीडियो जो रुक रही है, मुझे इस पर बहुत खून फूक रहा है, क्या करे जाए भाई ना तू। तो गाइस मेरी वीडियो एकदम चलते चलते रुक गई थी, जैसे कि अभी आपको अटक अटक के दिख रही है ना। हाँ भाई, क्या दिक्कत लगती है आपको इसके अंदर, क्या दिक्कत है इसको चेक करवाना पड़ेगा। देखो अभी पता चल रहा है ना कितनी वीडियो अटक रही है, देखो अभी ना डिला रहा हूँ मैं, ये देख पता चल रहा है बहुत ज़्यादा गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी हम कहाँ पे हुए हैं, कहाँ पे है भाई साहब, भोगल में। अभी हमने कचौड़ी खाई है, ठीक है ना। यहाँ पे कचौड़ी बहुत फेमस थी, अभी भी खैर सिमिलर टेस्ट है जो भोगल वाली फेमस कचौड़ी है ना, पर अब स्टाफ बदल गया, सब चीज़ बदल गई, तो थोड़ा टेस्ट आपको अलग मिलेगा। तो गाइस पुरानी जगह आ गए हम, जहाँ पे हम आते हैं हमेशा, मतलब कहाँ पे पता चल गया ना, एटीएम के अंदर। गाइस आपको कबूतर दिखाता हूँ, कबूतर नहीं देखे ना आपने, ऐसे होते हैं देखो कबूतर हमारे यहाँ पे, है ना, है ना भाई। हाँ भाई, तो चलो देख लिया ना, और तो नहीं देखने कबूतर। तो गाइस अब यहाँ से निकल रही हैं, अपने धंधों पे हेलमेट बांध रहा है लड़का, देख रहे हो ना यहाँ पे हेलमेट बांध रहा है, ठीक है ना। और फिर से लो कबूतर नहीं देखे ना आपने, तो इसीलिए गाइस मैं आपको दो बार कबूतर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे चाय के अल्टीलेट खुल रही हैं बहुत सारे, तो इसीलिए यहाँ पे भी आकर चाय पी लो कभी, सरिता वेरच पॉकेट के अंदर, ठीक है, यहाँ का फ्री प्रमोशन। तो गाइस आ गए हम लड़के के यहाँ पे, ये रहा। हाँ भाई अभी बात करते करते भी देखे एक बात मेरे इसमें याद आ गई, जिम के ब्लॉग बने हैं, पहले ब्लॉग में दिखाया तू, बस दूसरे ब्लॉग तो तू गायब हो गया। ये देखो लड़का, मतलब दो दिन जिम गया है, दूसरे दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, पर इसने दो दिन जाने के बाद अपना उद्यापन कर दिया जिम का भी। सराय भाई साहब सराय माई थोड़ी बहुत भाई, अनमेच्योर इंसान अनमेच्योर इंसान है। तो गाइस फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते इस लड़के को, हम देख रहे हो ना, दिस इज द अनमेच्योर गाइस, ठीक है ना। तो चलो अब मिलता हूँ आपको ना। इसने देखो कंपनी लाल कर रखी है पूरी, खोद खोद गया आज, ठीक है ना। गर्मी में जुकाम किसको होता है, हैं, खून आ रहे हैं, हाँ खून आ रहे हैं, देख लो गाइस नाक में से खून आ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो गाइस आ गया मैं घर पे, ठीक है ना, बहुत देर का आ गया वैसे तो, मैं बताना भूल गया था, पर अब याद आया मुझे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा लंच करने के बाद, सॉरी लंच करते टाइम मिलूंगा मैं, क्या लंच में करूँगा आई डोंट नो, अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइस। एक बात बताना, अभी ये वाली क्लिप जो मेरी देख रहे हो, ये वाली बढ़िया लगी, या इससे पहले जो जस्ट अभी सेकंड पहले जो मैं बोल रहा था वो वाली बढ़िया लगी, क्योंकि लाइट में मुझे समझ में नहीं आ रही। तो गाइस हो गया अपना लंच टाइम तैयार, ठीक है, ये रात की सब्जी है जो मेरे को खिलाई जा रही है, ठीक है, और ये रोटी। तो गाइस शाम हो गई है, खाना खा के मैं सो गया था, ठीक है ना, उठ गया, लेकिन उठ गया तो मैंने आपको बता दिया कि मैं उठ गया, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, अब पार्क चलते हैं। तो गाइस आ गए घूम फिर के, यहाँ पे मैंने बताया था आपको पार्क में जाना है हमको, ठीक है ना। या ब्रो, या ब्रो, और इस लड़के ने मुझे बहुत तो कहानी सुनाई है जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ क्या हमारे साथ वाले, हाँ जो सावधान इंडिया में देखते हो ना आप ऐसी स्टोरी, एक रियल लाइफ की अभी सुनाई है इसने ताजी ताजी। अरे हाँ बता बता, पड़ोस के लड़के की अपने, हाँ हमारे बचपन के मित्र, हाँ ऐसे के साथ हुआ बचपन के जमाने का भी मित्र। तो गाइस और ये लड़का इतना पागल है, घर के वहाँ पर आया, ये जूते मैंने बुक करवाए थे इससे, जब लेके नहीं आया अब लेके आया, अभी ना हाथ में लेके डोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेहनत कर लेगा जेब में, मोटा पेट लेके घूम रहा है तेरा भी तो है, आपने नहीं बताया, मतलब एक दिन जिम में गया, अनमैच्योर इंसान का ऐसा, एक दिन जिम में गया उसके बाद उद्यापन ले लिया, अनमैच्योर पर्सन से बात कर रहे हो आप, ये ऐसा लड़का है, ठीक है ना। तो चलो हम मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, मैं सोच रहा था यहाँ से डायरेक्ट जिम में जाने की, बट इसकी वजह से नहीं जा पाऊँगा अब। तो गाइस अब आखिरकार इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इस लड़के ने तो देख रखे हैं पर मैंने नहीं देखे अभी। या ब्रो हमने मंगाए थे 7, 8, 9 नंबर, और आए कितना नंबर है, 8, 9 आठ और 9, 9, ठीक है ये आया ऑनलाइन में, वैसे ये चीज़ होती है ज़्यादातर। ओके आप इसको पकड़ो, हम एक बार खोल के दिखा देते हैं इनको,
अपने दर्शकों को ढंग से पकड़ ले। तो गाइस पन्नी तो इस लड़के ने उतार दी है और ये इनका फर्स्ट लुक, ये टेम्परेरली मंगाए हैं ऐसे, आ जाएंगे ये है गाइस, आप पास से आके दिखा सकते हो, दिख रहे हो तो ठीक है ना जी, अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ ये शूज है गाइस, ठीक है ये मंगाए थे स्पेशली जिम के लिए, अब तो आप कट कर सकते हो। एक बार ऐसे दिखाइए कैसे कैसे फोटो ले रहा है लड़का, लेने दो दोनों ले लेना हाथ में, दोनों एक से खिंचवा ले फूफा, सारे चप्पल भी लग सकते तेरे मुंह पे, ठीक है अब पास को आ जा पहली बात तो, और बंद कर दे इसको। तो गाइस ये देखो ये गेट बंद है ना, इस वजह से यहाँ पे बाइक अपनी खड़ी करनी पड़ेगी थी मुझे, और मुश्किल से आधे घंटे में कितनी ज़्यादा धूल जम गई रही इस पर। तो गाइस टीवी चल रहा है और गाने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में है, तो इसी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे वॉइस अलग से डाली है। और ये लड़का इतना ध्यान से टीवी में घुसने को तैयार है आज तो बहुत बुरी तरह। तो गाइस हो गया अपना डिनर टाइम स्टार्ट, ये भिंडी की सब्जी, आलू सोयाबीन और रोटी, और इधर छपरी है चमची, ठीक है ना। अब मिलूंगा मैं आपसे डिनर करने के बाद, और आज शायद मैं ना चलूँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, जिम में हो गया था वो, ठीक है ना। मैं मिलूंगा आपसे, 4-5 साल पुराना दर्द मेरा आज भर गया, ठीक है जी। तब तो गाइस आ गया मैं आपके सामने फिर से, मैं खाना खाने के बाद आज चलने वाला नहीं था, बट मैं थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट तो चला था, ठीक है ना। तो गाइस आज मैं काफ़ी टाइम बाद पी रहा हूँ दूध और गुड़, जो मैंने भी तोड़ा है, मतलब मैंने तो नहीं तोड़ा, मम्मी ने तोड़ा है, बट बस कोई बात नहीं, ये बताना था मुझे भी और कुछ नहीं। और बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है यार आज, तो मैं बता नहीं सकता, 4-5 साल पुराना था तो मेरा आज निकला है फिर से, कि आज बेटे गया नहीं हूँ मैं तेरे पास से अभी, ठीक है ना। और मैंने देखो ना टिफिन अपने टेबल पर लगा रखे हैं सारे के सारे, दिख रहे हैं, मैं काला दिखाऊंगा यार पक्की बात है वीडियो में। देखो गाइस रियल रंग मेरा ये वाला है जो आप अब देख रहे हो, मैं पता थी ना क्योंकि मैंने उस पर फोकस पर दबा दिया। और सैमसंग के फ़ोन में छोटा फ़ोन ले लो बड़ा फ़ोन ले लो यही प्रॉब्लम है पहले से ही, मैं सैमसंग का फ़ोन 5-7 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये देख लो, तो उसमें हर फ़ोन में ये प्रॉब्लम आई है कि एक बार उस पर फोकस पर दबा देते हो ना तो उस पर ब्लैक हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हमें, ठीक है। तो गाइस अपना दूध पी के मैंने मतलब दूध पी के बर्तन रख दिया बाहर, अब हो जाते हैं लाइट बंद करने का टाइम, चलो ठीक है ना। बस एक बताना था इसी बात पे, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, उससे क्या होगा जब मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप देख सकते हो। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा जब तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी ना, आएगी ना, तो ठीक है जी। और आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टा आईडी आपको मेरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लो, वहाँ पर मैं डीएम करूँ डायरेक्ट मैसेज, मतलब कि वहाँ पर जवाब देता है मैं, जब वरना कमेंट भी करोगे तो मैं वहाँ पर भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।